वेद कहता है कि अगर आपको श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए, श्रेष्ठ बुद्धि, तो विद्या का दान दीजिए, विद्या का दान। और आजकल तो बहुत आसान है साहब, भगवान की कृपा से सबके पास अच्छी कमाइयां हैं, अच्छी योग्यता है। किसी गरीब बच्चे को आप पकड़िए जो स्कूल जा रहा है, अगर आपको मैं बताऊं, आप लोग डर, दरअसल जिन्होंने किया नहीं ना वो डरते हैं। सबसे ज्यादा डर लगता है व्यक्ति को दान से, सबसे ज्यादा व्यक्ति को दान और दान के नाम से डर लगता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही वो एक शब्द है जिसने दुनिया को महान बना दिया है। जिनको, जिन्होंने सूत्र को जान लिया है वो लुटा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो बारिश हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप एक बच्चा गरीब ले लीजिए, मैं आपको कैलकुलेशन देता हूं, उसकी पूरी फीस साल भर की सरकारी स्कूल की, कई जगह तो फ्री भी है, उसकी किताबें, उसकी ड्रेस, कितनी कीमत है उसकी? 2 से 3 हजार रुपए। भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है, अगर आप उस पर खर्च करते हैं तो 250-250 रुपए महीना हो गया। आप विचार कीजिए, आपने एक बच्चे को शिक्षित कर दिया और धीमे धीमे वो आगे बढ़ा जीवन में, वो जो भी जहां भी पहुंचेगा महाराज, वो आपको कभी नहीं भूलेगा और आप उसके लिए भगवान की तरह होंगे। क्षमा करना, आप उसको थोड़ा भी दोगे तो उसके लिए बहुत होगा। और तुम्हारी, हमारी जो औलादे हैं उनको हम कितना भी करेंगे तो भी वे कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या किया, और किया तो तुम्हारा धर्म था, वो तो तुम्हें करना ही था। मैं दोनों बातें आपसे कह रहा हूं, तो वो तो आपकी मजबूरी है, वो तो आपको करना ही है, लेकिन इससे हटके क्या किया आपने जीवन में? अपने लिए तो सब करते हैं, पशु भी करता है। आप दुनिया भर के अनाथालयों में आके भोजन बांट रहे हो, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति भूख से मर गया, इसका दोष किसको लगेगा? ये देखना और जानना बहुत जरूरी है। अपने आसपास देखिए, अपने आस पड़ोस में देखिए, किसी को कोई जरूरत तो नहीं है? और ध्यान रखना, जब तुम किसी की जरूरत देखोगे तो मां जगदम्बा तुम्हारी जरूरतें कभी खाली नहीं होने देंगी, भर के रखेंगी। ये नियम है साहब, नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप जोर से दीवार पर एक गेंद मारिए, वो उतनी तेज वापस आएगी। आप जोर से आवाज छोड़िए, वो आवाज वापस लौट कर आएगी। ये प्रकृति का नियम है, कोई कर्म यहां से बाहर नहीं जाता। आप और हम जो करेंगे वो हम भोगेंगे, अच्छा हो या बुरा हो, ध्यान रखिएगा।